पड़ोसी देश चीन में कोरोना वायरस के चलते बिगड़ते हालातों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश के लगभग सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कोविड 19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला अस्पताल में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। बात करें पड़ोसी मुल्क चीन की, तो कहीं ना कहीं हालात को ज़्यादा अच्छे नहीं है। कोरोना को लेकर लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। और बात करें चीन की, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। नए वेरिएंट की ने दस्तक दे दी है। हालांकि जो आसपास के जो मुल्क हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं भारत भी अब तैयारियों में जुटा हुआ है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ताजनगरी की अगर बात करें, चूंकि ये पर्यटन स्थल है और काफ़ी सारे सैलानी यहाँ पर ताजमहल और अन्य इमारतों को निहारने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी यहाँ पैनी नजर है। लेकिन जिला अस्पताल में क्या कुछ तैयारियाँ हैं, उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ जिला अस्पताल में की गई हैं। हमारे यहाँ RT-PCR टेस्टिंग चल रही है। जो विदेश यात्रा से आएगा तो हर हालत में उसे टेस्ट कराना पड़ेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो हमारे यहाँ पलंगों की संख्या तो है 60, उस पर हम जो कोरोना के मरीजों का इलाज चालू कर देंगे। हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी कार्यरत है तथा समस्त दवा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और हमने जो मरीजों की लाइन के लिए जो पर्चा बनता है उस पर गोले बनाने के लिए भी कह दिया गया है, कल से बन जाएंगे सर जी। सर, चूँकि कोविड 19 की पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, कहीं ना कहीं आगरा का जो जिला अस्पताल है, एक मॉडल अस्पताल के रूप में पूरे प्रदेश में चर्चा हुई इसकी। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी अगर कम रेट रहा है तो वो ताजनगरी का रहा है। काफ़ी जो चिकित्सकों ने अपनी जीवन को दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने का काम किया है। लेकिन अगर बात करें अब, चूँकि एक बड़ा चैलेंज है और किस तरह की तैयारियाँ, क्योंकि उस पहले ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी किल्लत थी, अब क्या कुछ व्यवस्थाएँ? ऑक्सीजन का प्लांट बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। जो DRDO ने लगवाया है 500 लीटर पर मिनट की इसकी कैपेसिटी है। जो भी मरीज आएगा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, दवाओं की कोई कमी नहीं होगी। हमारे चिकित्सक एकदम तैनात कर दिए जाएंगे और समस्त आने वाले मरीजों का अच्छा इलाज होगा। सर, दूसरी लहर में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी वेंटिलेटर्स की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की किल्लत थी, सरकारी हॉस्पिटल में भी किल्लत थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में वेंटिलेटर थे लेकिन टीम नहीं थी वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाली। चूंकि अभी शासन से अलर्ट जिस तरीके से आया, और बीच बीच में मॉक ड्रिल होती रही है, लेकिन अभी अगर बात करें वेंटिलेटर्स को लेकर, क्या कुछ व्यवस्थाएँ रहने वाली हैं? हमारे यहाँ टोटल जो है 22 वेंटिलेटर हैं हमारे पास। उसके लिए ट्रेनिंग भी दे दी है, चिकित्सक हमें उसको इस्तेमाल करना भी सीख गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर समस्त जो वेंटिलेटर चालू कर दिए जाएंगे। सबसे अच्छा वैक्सीनेशन ताजनगरी का रहा है, लेकिन चूंकि अभी जब क्योंकि लोगों ने हल्के में लिया, अब वैक्सीनेशन भी देखा जाए तो काफ़ी स्लो स्पीड में चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। क्योंकि कुछ वैक्सीन अगर बात करें, कोविशील्ड की बात करें या कार्बोवैक्स की बात करें, कहीं ना कहीं अभी किल्लत देखने को नज़र आ रही है, या फिर कहें तो ऊपर से सप्लाई नहीं आ रही है। ऐसे में वैक्सीन की क्या स्थिति है? तो वैक्सीन लगवाने वाले भी कम आ रहे हैं, थोड़ी दवा की कमी भी है, इसको ऊपर अवगत करा दिया है, जल्दी ही दवा आ जाएगी सर। अभी चूंकि काफ़ी रश जिला अस्पताल में रहता है OPD के दौरान, करीबन 2,000 से 3,500 मरीज तक आता है। हालांकि अभी हाल में चिकित्सकों की कमी के चलते ये संख्या घटी है, लेकिन कहीं ना कहीं 2,000 की संख्या भी मायने रखती है। तो ऐसे में सामाजिक दूरी का पालन किस तरह करा पाएंगे? 6 फुट की दूरी पर गोले बना दिए जाएंगे, प्रत्येक को उसमें गोले में खड़े रहने के लिए बोला जाएगा तथा उनसे बोला जाएगा मास्क का इस्तेमाल हर हालत में करें, क्योंकि जो ये वायरस जो घुसेगा वो नाक और मुँह से ही घुसता है। यदि मास्क पहन लिया तो ये एंट्री नहीं हो पाएगी और बीमार नहीं होंगे आप। आम आदमी के लिए RT-PCR जांच की क्या व्यवस्था रहेगी? RT-PCR की जांच हमारे यहाँ होती है, प्रतिदिन होती है, छुट्टी वाले दिन भी हो रही है। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग तो सर अभी तक 3 बजे चल रही है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। आवश्यकता तो पड़ेगी तो शाम के 8 बजे तक कर देंगे। शासन स्तर से कोई नई गाइडलाइंस आई है? अभी नहीं आई है सर, आने को है जो सुनने में आया। तो ये थे हमारे साथ जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अशोक अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि COVID-19 को लेकर जिस तरह की चर्चा है कि नया वेरिएंट आने वाला है और वो कितना घातक होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो जिला अस्पताल की तैयारियां वो सभी पूरी कर ली गई हैं, और साथ ही कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं, चिकित्सकों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना ना घटे, उसके लिए भी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। ऑक्सीजन प्लांट तैयार है अपनी सेवाएं देने के लिए, 22 वेंटिलेटर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, और बीच बीच में इनकी मॉक ड्रिल भी की जा रही है। अपने साथी अनुप बघेल के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।